आहूजा अहूजा किचन एंड ब्यूटी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी मौसमी का जूस निकालने का तरीका। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी जो कि 5 मिनट में भी आप इसे बहुत ही झटपट से निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर कैसे निकालते हैं बताते हैं। मौसमी का जूस बनाने के लिए मैंने ले लिया है मौसमी, और ये देखिए 4 मौसमी मैंने लिए हैं। और इसको देख करके जब भी आप मार्केट से मौसमी खरीदें तो आप इस तरीके से देख लें कि इसका डंठल जो जहाँ से हमने इसको तोड़ा है ना वो एकदम ताज़ा होना चाहिए, तभी पता चलेगी कि हमारी मौसमी ताज़ी है। और इस तरीके से ताज़ी मौसमी खरीद कर आप लाएं और इसको घर पर ही प्योर एकदम ताज़ा आप जूस बना करके इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने बहुत ही आसानी से इसका छिलका उतार दिया है और इसका जो वाइट वाला पार्ट होता है ना उसको भी ऐसे बहुत ही आराम से निकल जाता है। इसको निकलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही अच्छे से ये अच्छे से रिमूव हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से, और ये देखिए मैंने बीच से इसके 2 भाग किए हैं और इसको ना बीच का जो बीज होता है इस तरीके से चाकू की सहायता से मैंने इसको निकाला है। बहुत ही आसानी से इसका बीज भी निकल जाता है क्योंकि इसकी बीज बड़ी बड़ी होते हैं और इसमें से निकालने में ज़्यादा समय नहीं लगता। और हाँ, इसका बीज ज़रूर निकाल दीजिएगा, नहीं तो जो जूस में अगर इस बीज जाता है ना तो ये कड़वा आने लगता है जूस। तो इसे हम मिक्सर में बनाएंगे, इसलिए इसका देखिए इस तरीके से सारा बीज हम निकाल देंगे। तो इसी तरीके से अपनी सारे मौसमी का बीज हम निकाल करके तैयार कर लेंगे और इसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसको कट कर देंगे। काफ़ी हेल्दी और काफ़ी टेस्टी बनता है, घर पे अगर आप बनाएंगे तो हेल्दी भी रहेगा और टेस्टी भी रहेगा। तो ये देखिए मैंने सारे टुकड़ों को अच्छे से कट कर लिया है और अब इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल दूंगी। तो आप जब भी जूस आपको पीना हो तो घर पे ही लाके बनाइए क्योंकि घर पे घर का बना हुआ हेल्दी भी होता है टेस्टी भी होता है। तो ये देखिए मैंने सारा काट लिया है, अब इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और इसमें से आपको 2 सेकेंड नहीं लगेगा इसे पीस करके तैयार कर लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से पीस चुका है और फिर इससे आपको कोई मशीन कोई झंझट नहीं, क्योंकि अगर हम उसमें पेरते हैं ना तो हमारा हाथ भी दर्द करने लगता है। और इस तरीके से बनाने से बहुत ही कम समय में ये हमारा जूस जो है ना बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से चम्मच की सहायता से मैं मिलाते हुए इसके सारे जूस को निकाल लूँगी। काफ़ी जल्दी से निकल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे एकदम बिल्कुल अच्छे से। इस तरह से छन्नी हो अगर आपके पास तो इस तरीके से आप इसे छन्नी से छान छन के और हाथों से इस तरह से स्प्रेड करते हुए आप इसे निकाल देंगे। बहुत ही जल्दी से आसानी से ये बन करके तैयार हो जाएगा हमारा हेल्दी वाला जूस। आप मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में आपको महंगा भी मिलेगा, प्लस जो है आपको इतना प्योर नहीं मिलेगा। ज़रूर उसमें चीनी पानी सब डाल के, क्योंकि उन लोगों को बेचना रहता है तो वो ज़्यादा बना कर ही बेचते हैं, लेकिन हम इसे घर पे बिल्कुल प्योर बना रहे हैं और प्योर घर का ही खा पियेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये देखिए मैंने जूस बिल्कुल अच्छे से निचोड़ लिया है, बहुत ही अच्छे से ये जूस कम से कम 1 गिलास जूस मैंने निकाल लिया है। तो ये देखिए मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये देखिए मेरी क्लास थोड़ी बड़ी थी तो ये इतना पूरा भरी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा बहुत ही अच्छा सा बनके तैयार हो गया है। थैंक यू।